होशंगाबाद जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार डीआईजी दीपक वर्मा ने सिवनी मालवा थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक डीआईजी को थाने में देख पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। कोई पुलिसकर्मी टोपी ठीक करता तो कोई वर्दी ठीक करता नजर आया। डीआईजी दीपक वर्मा रविवार सुबह करीब 10 बजे निरीक्षण पर निकले। अचानक उनकी गाड़ी सिवनी मालवा थाने में मुड़ गई। डीआईजी ने थाना पहुंच सबसे पहले ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। थाने में साफ सफाई, बैरक व लॉकअप का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी ऑफिस में बैठकर आपराधिक रजिस्टर की जांच की, रजिस्टर नंबर 4 व लंबित पड़ी विवेचनाओं की बारीकी से समीक्षा की। डीआईजी दीपक वर्मा ने थाना प्रभारी संजय चौकसे को निर्देश दिए कि जो अनसुलझे केस हैं, उन्हें जल्दी सुलझाया जाए, लंबित विवेचनाओं को भी जल्द निपटाया जाए। इस दौरान थाने का रिकॉर्ड, साफ सफाई देख डीआईजी संतुष्ट नजर आए। वह करीब आधे घंटे तक कार्यालय में बैठे और थाने का रिकॉर्ड रजिस्टर देखे। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। न्यायालय के भी निर्देश है कि अवैध रेत के उत्खनन के मामले में एफआईआर की जाए। सभी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह उत्खनन पर रोक लगाई जानी है, परंतु यदि किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। सिवनी मालवा का ये मेरा इवेंट में पहला दौरा है और मैं यहाँ पे आज थाने के कार्यों की समीक्षा के लिए आया हूँ। थानों में जो पेंडिंग थी है, थानों की जो समस्याएं हैं और थाने के कार्य को और बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस सब पर मैं चर्चा करूँगा। किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं? निर्देश मैंने पहले भी दिए थे, पहले मीटिंग बुला के इन सबको, कि जो भी पेंडिंग अपराध हैं उनका निराकरण हो, खासकर जो महिला अपराध हैं उनका समय सीमा में 15 दिन में निराकरण हो जाना चाहिए। एससी एक्ट के जो अपराध हैं कुछ का पेंडिंग रहते हैं हर जगह पे, यहाँ भी मैं देखूंगा क्या पोजीशन है, तो उनका सबका निराकरण जो एक समय सीमा में हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अपराध जो पंजीवत होते हैं, यदि उनका निराकरण समय सीमा में हो जाए तो निश्चित रूप से अपराधों की वृद्धि पर रोक लगती है। कानून व्यवस्था अभी सिवनी मालवा की काफ़ी बेहतर है और हमारे थाना प्रभारी जो हैं युवा हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। यदि कोई समस्या होगी मैं इनसे चर्चा करूंगा तो बेहतर बनाने के लिए हम जो और संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं उपलब्ध कराएंगे इनको। नर्मदा पेट्रोल से जुड़ा हुआ है सिवनी मालवा, दो समस्याएं बड़ी हैं, एक तो अवैध उत्खनन है, दूसरा है अवैध शराब। इस पर कैसे लगाम लगाएगी? अवैध उत्खनन और अवैध शराब को पूरी तरह रोकने के लिए हम लोगों ने पहले से भी निर्देश दिए हैं। जैसे आपको पता है कि होशंगाबाद में अभी कोई रेत का ठेका नहीं है यहाँ पे, और नर्मदा किनारे शराब की बिक्री भी प्रतिबंधित है, तो मेरी जानकारी में यदि कोई ऐसी चीज़ आएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। मैं थाना परिषद में चर्चा करूंगा इस संबंध में। अगर ये नर्मदा पट्टी में अगर शराब बिकने की शिकायत है या अगर उत्खनन की शिकायत है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। अब तो हाईकोर्ट ने ऐसे भी FIR पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हुए हैं अगर उत्खनन के मामले में, तो मैंने निर्देश दिया सभी को कि यदि ऐसे कोई केस मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें FIR आएंगी जाए।